जो किसानों से टकराएगा जो किसानों से सरकार को किसानों को नीलाम करके एसर को किसान अध्यादेश वापस लो सांसद राजमणि जी मौजूद हैं जिन्होंने इस बिल को पास होते देखा है, बिल पास होते देखा है। मेरा उनसे केवल और केवल एक सवाल है, एक छोटा सा सवाल है कि जिस तरीके से जब ये बिल पास हो रहा था, कोरोना काल चल रहा था, उस दौरान आपकी पार्टी ने किस तरीके से इस मुद्दे को देखा था? देखिए, ये तो सारा संसार देखा है, आप सबने देखा है, प्रजातांत्रिक मूल्यों में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये संवैधानिक अधिकार है कि विपक्ष को भी अपनी बात कहने का, अपना सुझाव देने के, चाहे कोई मुद्दा हो, गलत सुझाव हो सकता है, लेकिन अपना सुझाव, अपनी बात कहने का अधिकार संविधान ने दिया है। यही आज़ादी के बाद सबसे बड़ा तोहफा इस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को ही मिला है। लेकिन किस तरह से संवैधानिक व्यवस्थाओं की धज्जियाँ उड़ाई गई, ये माने जीता जागता ये सत्र है जिसमें ये बिल पास किया गया। हम लोग, एक तो पंचायत का भी एजेंडा होता है, तो उसमें होता है कि एक 24 घंटे 12 घंटे का समय दिया जाता है कि माने क्या एजेंडा रखना, इसमें चर्चा करनी ताकि लोग तैयारी कर लें। ये बिल जो है अचानक, कोई जानकारी नहीं, अचानक बिल पेश हो गया सदन में, और पेश होने के बाद जब आपत्ति की गई कि माने बिल पेश किया गया, कहीं नहीं इमरजेंसी थी, कोविड था, इसलिए पेश करना पड़ा, खैर किया। इसके बाद सुझाव देना चाहते, चर्चा करना चाहते थे, चर्चा करने का किसी को मौका नहीं दिया गया, सुझाव देने का मौका नहीं दिया गया, कहा कि इमरजेंसी है इसलिए जल्दी पास करना, चर्चा की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोगों ने ये कहा कि भाई चर्चा नहीं कराए, वोटिंग तो करा लो, कम से कम प्रजातंत्र में रिकॉर्ड रहे कि माने कौन क्या करना चाहता है, वोटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ ना, हम लोग वोटिंग की मांग करते रहे, चिल्लाते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन प्रजातंत्र का गला घोटा गया, प्रजातंत्र की आवाज़ को दबाया गया, किसी तरह से सुना नहीं गया, हाँ ना करके जो है ये बिल पेश सदन में पास किया गया, और जिसका हमारी पार्टी ने, हम सब लोगों ने घोर विरोध किया। अविरोध इसलिए कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, जैसा अभी बता रहे थे कुमार जी, बात सही है कि नियत का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार ये कहती है कि इस बिल को में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं, वो यथावत रहेगी। अगर आपकी नीयत सही है, यथावत रहेगी, तो इतने तो किसान मांग कर रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसको कानूनी रूप दे दीजिए, गारंटी हो जाए हमारे अधिकार की, वो गारंटी सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। अब मुँह में कह रही है कि नहीं उसका माने रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, तो इससे माने सरकार की नीयत ठीक नहीं है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है, ये कहना था राज्यसभा सांसद राजमणि जी का। राज्यसभा में वोटिंग के दौरान जब ये बिल पास किया जा रहा था तो किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं हुई, किसी भी तरीके की कोई भी बातचीत नहीं हुई। अब देखना है किसानों का यह आंदोलन आगे चल के किस रूप में लेता है, किस तरीके से ये आंदोलन बढ़ता है, इसके बारे में हम लगातार आप तक पूरी जानकारी, पल पल की जानकारी पहुँचाते रहेंगे। अब समय हो रहा है ख़त्म, अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।